गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे एडिडास के जेसवा रिफ्लेक्टिव एम रनिंग शूज के बारे में, इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे ताकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो कि ये प्रोडक्ट आपको परचेस करना है या नहीं। तो बिना कुछ समय गवाए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दे देता हूं मैं आपको इसका फर्स्ट लुक। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ब्रांडिंग के बारे में। तो कंपनी ने एक ब्रांडिंग किया इसकी टंग पे, एक ब्रांडिंग किया इसके इनर सोल में, एक ब्रांडिंग किया इनके बैक साइड में, और आइड और साइड में इनने दिया है अपना ट्रेडिशनल मार्क, और बैक साइड में भी इनने एक अपनी ब्रांडिंग की हुई है, और एक ब्रांडिंग कंपनी ने टो के ऊपर भी किया जो कि ये रबर की लेयरिंग के ऊपर दिखाई देती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शूज़ के वेट के बारे में। तो सिंगल शूज़ का वजन आ रहा है लगभग 269 ग्राम, तो उस हिसाब से लगभग 540 ग्राम टोटल वेट हो जाएगा पेयर का, और इसका वजन और कम करना है तो और पैसे बढ़ा दूंगे तो और वजन कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शूज़ के लुक के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं कंपनी ने प्रोवाइड किया है हाइड और साइड में ब्रांडिंग, और ऊपर साइड में कंपनी ने प्रोवाइड किया सिंथेटिक मटेरियल, और सामने की तरफ जो है मैश प्रोवाइड किया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ओवरऑल लुक के मामले में मैं इनको दूंगा 4.5 out of 5, क्योंकि शूज़ देखने मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शूज़ के मटेरियल के बारे में। तो कंपनी ने ऊपर की तरफ सिंथेटिक मटेरियल प्रोवाइड किया है, और इसमें इतने भाग में मैश मटेरियल प्रोवाइड किया है, उसके बाद यहाँ पर सिंथेटिक लेदर, और इस भाग में भी सिंथेटिक लेदर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे अंदर की तरफ कंपनी ने स्टिचिंग की है सिंथेटिक मटेरियल और मैश मटेरियल को जोड़ने के लिए। उसके बाद कंपनी ने मिड सोल में EVA प्रोवाइड किया है, जिससे कि ये काफी लाइट वेट शूज रहता है। उसके बाद बैक साइड में कंपनी ने यहाँ पे रबर की एक एक्स्ट्रा लेयरिंग प्रोवाइड की है जो कि आपको ट्रैक्शन देने में हेल्प करता है, और कंपनी ने अंदर की तरफ ऑर्थोलाइट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जिससे कि आपको बेटर कुशनिंग मिले और आपको इंस्टेंट शॉक से भी बचाने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शूज की क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करूंगा तो कंपनी ने काफी बढ़िया सी फ्लफी टंग प्रोवाइड की है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनकी लेस की क्वालिटी के बारे में। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, चाहे आप इनके 2000 के शूज खरीदो चाहे 5000 के, इनकी लेस की क्वालिटी एक जैसी रहती है जो कि काफी बढ़िया रहती है। उसके बाद बात करें पेस्टिंग के बारे में, तो आप ये देख सकते हैं प्रॉपर पेस्टिंग है, कहीं पर भी उखड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना ही ज्यादा कहीं पर भी कोंद ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आगे की तरफ पीछे की तरफ। उसके बाद इनने अपना ट्रेडिशनल लोगो भी काफी बढ़िया से पेस्ट किया है, ये आप ये देख सकते हैं उंगली घिस रहे तो भी कहीं पर भी फील नहीं हो रहा, उठा उठा एकदम बढ़िया से वहीं पे पेस्ट किया है। उसके बाद इस जगह पे और इस जगह पर भी इनने काफी बढ़िया था सिंथेटिक मटेरियल के ऊपर सिंथेटिक लेदर को पेस्ट किया है, हालांकि यहाँ पे इन लोगों ने स्टिचिंग भी प्रोवाइड किया है सपोर्ट के लिए ऑलरेडी। उसके बाद बात करूँ इसकी स्टिचिंग की क्वालिटी के मामले में, तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे आइट साइड में सामने स्टिचिंग की क्वालिटी काफी बढ़िया, कहीं पर भी ऐसी ऊपरी स्टिचिंग या धागे आगे निकले हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद कंपनी ने जो पीछे रबर की लेयरिंग प्रोवाइड की है उस पर भी मार्किंग टाइप इन लोगों ने ट्रैक्शन दिए जो कि काफी बढ़िया सी आपको ग्रिप देने में हेल्प करेंगे। इसको पहनते हैं फिर आगे और फर्दर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहन लिया मैंने शूज, ये देख सकते हैं फ्रंट साइड से कुछ इस प्रकार का दिखता है, राइट साइड से कुछ इस प्रकार का दिखता है, बैक साइड से कुछ इस प्रकार का दिखता है, और लेफ्ट साइड से कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें इसकी कुशनिंग के बारे में। तो कंपनी ने जो ऑर्थोलाइट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है वो काफी बढ़िया सा कुशनिंग प्रोवाइड कर रही है जो कि आपको इंस्टेंट शॉक से भी बचाने में हेल्प करेगी। उसके बाद नीचे कंपनी ने प्रोवाइड की है बढ़िया सी रबर की लेयरिंग जो कि काफी बढ़िया सा ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है, काफी बढ़िया सा अपना काम कर रही है। तो ओवरऑल कंफर्टनेस के मामले में मैं दूंगा इसको 4.5 out of 5, और क्वालिटी के मामले में मैं इसको दूंगा 4 out of 5। उसके बाद क्वालिटी के मामले में मैंने इसको 4 इसलिए दिया क्योंकि एंकल सपोर्ट एकदम मीडियम है, थोड़ा सा और ऊपर रहना था, और ये जो पीछे की तरफ इन्हें रबर की लेयरिंग प्रोवाइड की है भले इन्हें डिजाइन की वजह से दिया, बाकी है पूरी कंटिन्यूएशन में एक दूसरे से चिपकी रहना तो ज़्यादा बेहतर रहता क्योंकि हल्का सा भी पानी में गया तो ये रबर की लेयरिंग निकलने के ज़्यादातर चांसेस बन जाते हैं, और यदि आपका फ्लैट फुट है तो इस शूज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए मेरे ओपिनियन में। उसके बाद इस शूज़ को आप रनिंग पर्पस के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए और कैजुअल वेयर के लिए आप यूज कर सकते हैं। फाइनल बात कर लेते हैं शूज के प्राइस रेंज के बारे में। तो ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था लगभग 2400 रुपए का, बाकी आप इसके दूसरे कलर लेने जाएंगे तो फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा हर जगह इसके प्राइस वेरी हो रहे हैं, आपको 1900 से लेके 2500-2600 रुपए तक मिल रहा है। यदि ये कलर देखने जा रहे हैं तो थोड़ा महंगा मिल रहा है, मैंने अमेजोन पे चेक किया, बाकी आपकी मर्जी जहाँ से आपको खरीदना है, जहाँ से आपको विश्वास है। बाकी यदि आपको शूज़ खरीदना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से चाहो तो आप परचेस कर सकते हो। होप करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा शूज़ आपको परचेस करना है या नहीं। तो ये था वीडियो, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वारी है तो नीचे कमेंट कर देना, लगता है किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।